तो गाइज ये है ओप्पो रेनो 9, ओप्पो रेनो 6। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें ऐसा खास क्या है। और गाइज ये है ओप्पो रेनो 6 5G प्रो का छोटा वेरिएंट, जो कि आई थिंक प्रो से बेटर ऑप्शन है सम हाउ। तो आज हम करेंगे इसको अनबॉक्स, देखते हैं कि 30,000 रुपये में हमें क्या मिलता है। ओके डन दैट। वाओ तो गाइज ये है ओप्पो रेनो 6 का बॉक्स, कैसे खुलेगा आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके तो यहां पर एक और भी सील है जो कि मैंने नोटिस नहीं की है। ओके नीचे की साइड भी है क्या? नहीं। तो इसी के साथ हम करते हैं ओप्पो रेनो 6 को अनबॉक्स। तो गाइज ये है ओप्पो रेनो 6 का मेन बॉक्स, यहां पर ओप्पो लिखा गया है। और गाइज बॉक्स रियली गुड फीलिंग है, और बॉक्स पर हमें कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल स्टेल्थी बॉक्स है एक्सेप्ट फॉर इसमें क्या आता है और MRP वगैरह का स्टफ। तो अभी इसका कर लेते हैं फर्स्ट लुक। आई डोंट नो कि इसके जो नॉर्मल ओरा ग्लो वाला कलर है उसमें भी ब्लैक बॉक्स ही आता है या नहीं, बट ये इसका ब्लैक कलर है। ओके अगेन गोइंग विद द ब्लैक थीम ओप्पो। मैं भी गाइज बैकग्राउंड को ब्लैक करना चाहता था, बट मुझे पता था कि ये ब्लैक बॉक्स है तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा कलरफुल किया है। इसको हम देखेंगे बाद में, पहले देखते हैं ओप्पो रेनो 6 को। वाओ गाइज काफ़ी हल्का वेट है, और मुझे हाथ में ही जो एप्पल वाली फील आ रही है ना, इनक्रेडिबल। इसे रखते हैं एक सेकेंड के लिए साइड पर और देखते हैं कि स्मार्टफोन में हमें और क्या क्या मिलता है। तो गाइज ये है एक ओप्पो का सुपर बुक, आई थिंक 65 वोट का चार्जर, जो कि इसकी बैटरी जो है 4300 mAh की, उसको 0 से 100 के लिए अराउंड 45 मिनट्स लेता है। तो पीछे की तरफ हमें मिलता है USB टाइप ए, और हमें स्मार्टफोन में मिलती है एक USB टाइप ए टू टाइप सी की केबल, जो कि है आई थिंक 1 मीटर के करीब लंबी। और एक लास्ट थिंग गाइज जो कि आजकल बहुत कम मिलती है, वो है एक USB-C टू एयरपोड्स, एप्पल के ओरिजिनल जो एयरपोड्स थे उस स्टाइल वाली केबल, ईयरफोन्स। उसके बाद देखते हैं ये जो एक और लास्ट ब्लैक बॉक्स था इसमें हमें क्या मिलता है। ओप्पो इज गोइंग सीरियसली विद द ब्लैक थीम। तो इसमें हमें मिलता है कुछ एक क्लियर केस, जो कि गाइज अगर ये भी ब्लैक होता ना तो दैट वुड हैव बीन सुपर्ब। और हमें कुछ मिलते हैं लाइक दो ही कागज और मिलते हैं, वारंटी और लीगल स्टफ, और एक ये हमारी सिम इजेक्टर पिन। इसके बाद आते हैं हम मेन स्मार्टफोन पर दोबारा, जो कि है हमारा यहाँ पर ओप्पो रेनो 6, बोके इफेक्ट, अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन, 65 वोल्ट चार्जर और 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट। तो इसे हम करते हैं अनरैप सबसे पहले। वाओ जस्ट गाइज वाओ इनक्रेडिबल। तो गाइज ये है मेरा फर्स्ट लुक ओप्पो रेनो 6 का, एंड मुझे कहना पड़ेगा कि स्मार्टफोन में कुछ बात है, जो इसकी इन हैंड फील है वाओ सुपर प्रीमियम। फाइनली ये मान गया, और इट इज़ नाउ सेल्फ स्टैंडिंग, विच आई रियली लाइक, बिकॉज वीडियोज़ बनाने में बहुत आसान रहता है अगर कोई स्मार्टफोन सेल्फ स्टैंडिंग हो। तो हमें राइट हैंड साइड पर मिलता है एक पावर बटन जिसमें है ग्रीन एक्सेंट, टॉप पर हमें मिलता है एक माइक, लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारे वॉल्यूम के बटन्स, और नीचे की तरफ हमें मिलती है सिम ट्रे, उसके साथ एक USB-C का पोर्ट और एक स्पीकर। और यहाँ पर जो मेन स्पीकर है ये आई थिंक कि डबल करेगा स्टीरियो स्पीकर के लिए, और एक होल पंच भी है छोटा सा। और पीछे की तरफ गाइज दिस इज़ ग्लास आई थिंक फ्रॉस्टेड ग्लास, और 3 कैमराज जिसमें है अल्ट्रा वाइड, वाइड और एक टेलीफोटो लेंस विद सम फ्लैश लाइट्स। तो गाइज अभी इसको करते हैं फर्स्ट टाइम ऑन, और ये मेरा पहला ओप्पो का स्मार्टफोन है, तो मैंने कलर ओएस को आज तक यूज़ नहीं किया, तो ये मेरा पहला चांस होगा। ओप्पो पावर्ड बाय एंड्रॉयड। और गाइस एक और मुझे इसकी काफ़ी अच्छी बात लगी कि एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट चारों साइड के बेजल ऑलमोस्ट सेम हैं। गेट स्टार्टेड। तो गाइस ये है हमारा ओप्पो रेनो 6 का फर्स्ट बूट,
डिस्प्ले 90 हर्ट्स है इसकी, जो कि 120 होनी चाहिए थी। जैसे कि मेरा यहाँ पर IQ Z3 है, इसमें हमें मिलती है 120 हर्ट्स की डिस्प्ले। और या मैं नोटिस कर सकता हूँ थोड़ा सा डिफरेंस 90 और 120 में। यस गाइस, थोड़ा सा डिफरेंस तो इंडीड नोटिसेबल है 90 हर्ट्स और 120 हर्ट्स में, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ज़रूर है, बट उससे कुछ नहीं मैटर होता। और गाइस, इसमें हमें प्रोसेसर भी बेटर मिलता है कंपेयर टू इसके, और पोको का जो F3 GT है वो इससे चीप भी है। तो अगर आपको ओनली स्पेक्स ही चाहिए तो आई थिंक पोको बेटर होगा, बट देखते हैं ओप्पो में और क्या क्या है। तो गाइस, इसमें 8 GB की रैम है विद 128 GB ऑफ स्टोरेज, और आई थिंक दैट्स इट फॉर द अनबॉक्सिंग। बाकी इसका मैं रिव्यू करूँगा तो आपको रिव्यू में और डिटेल्स में बताऊँगा कि इसमें क्या मिलता है, क्या ये बेटर फ़ोन है या फिर OnePlus Nord या फिर वो पोको F3 GT। तो उसके लिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।